हरे कृष्णा, मैं मित्तल आपका स्वागत करती हूँ गुलाबरी सात्विक रसोई में। आज हम बनाएंगे एक पारंपरिक रेसिपी मालपुआ रबड़ी। सबको यही लगता है कि जो ट्रेडिशनल रेसिपी होती है वो बनानी बहुत ही मुश्किल होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बहुत ही आसान तरीके से ट्रेडिशनल रेसिपी भी घर पर बना सकते हैं और ये आप मानोगे नहीं, बहुत ही टेस्टी बनती है। ये एक सॉफ्ट पैनकेक जैसा भी हमको लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं आसान तरीके से मालपुआ रबड़ी बनाना। तो उसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे रबड़ी। तो मैंने यहाँ पे दूध लिया है। जब मैं मॉर्निंग का पूरा काम करती हूँ तभी मैं मॉर्निंग से ही ये रबड़ी बनाना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि रबड़ी बनाने में टाइम लगता है लेकिन हमें उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है। हम इसे स्टोव के ऊपर रख देंगे और स्लो फ्लेम रखेंगे और बीच बीच में चम्मच चलाते हुए इसे पकाते रहेंगे। तो इसे बस हमें गाढ़ा करना है, कंटिन्यू हमें चम्मच चलाने की जरूरत नहीं है, बीच बीच में हमें चम्मच से चलाते रहना है। और मालपुआ के साथ ऐसी लच्छेदार रबड़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए ये धीरे धीरे अब गाढ़ी हो गई है। जब तक ये गाढ़ी हो रही है इसको मैं दूसरे स्टोव पे रख देती हूँ। तब तक यहाँ पे मैं बना लेती हूँ मालपुआ के लिए चाशनी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे चीनी ली है और जितनी चीनी है उससे आधा हमें पानी लेना है। अब इसमें चम्मच से चलाते हुए चीनी को हम पिघलने देंगे और चीनी जब पिघल जाए तब इसे हम ज़्यादा नहीं उबालेंगे, क्योंकि हमें चाशनी कोई एक तार या दो तार की चाशनी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ जो चिपचिपी चाशनी बने ऐसी ही चाहिए, जैसी गुलाब जामुन में होती है उसी तरह की। देखिए अब चीनी पिघल गई है तो इसे थोड़ी देर और रखते हैं हम चाशनी को। तब तक यहाँ पे हम रबड़ी को देखते हैं। रबड़ी भी अच्छे से गाढ़ी हो गई है तो उसमें चीनी डाल देंगे और चीनी डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे 5 मिनट के लिए रखेंगे। अब ये चीनी भी तैयार हो गई है। देखिए चेक करते हैं। देखिए इसमें कोई तार नहीं बन रहा है, सिर्फ ये चिकनी एक चाशनी बनी है बस। ये तो तैयार है तो इसे साइड में रख देंगे। और ये दूध भी अभी गाढ़ा हो गया है, मतलब हमारी रबड़ी तैयार है। तो इसे भी अब हम ठंडा कर लेंगे, क्योंकि मालपुआ के साथ ठंडी ठंडी रबड़ी बहुत अच्छी लगती है। नेक्स्ट हम मालपुआ का बैटर बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है दूध का पाउडर और जितना दूध का पाउडर हम लेंगे उतना ही हम मैदा लेंगे। देखा यहाँ पे, ये बहुत ही इजी मेथड मैंने ली है। मैंने यहाँ पे दूध का पाउडर लिया है। अदरवाइज ट्रेडिशनल रेसिपी में होता है क्या कि इसकी जगह हमें खोया यूज करना होता है, लेकिन उसमें थोड़ी मेहनत लग जाती है। तो हम यहाँ पे दूध का पाउडर और मैदा लेंगे। अब इसमें जरूरत के हिसाब से हम दूध डालते जाएंगे और बैटर बनाते जाएंगे। यहाँ पे मैं दूध का आपको परफेक्ट नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि कभी कभी क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड होता है कि आपका मैदे का क्वालिटी कौन सा है। अब इसे हैंड ब्लेंडर की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करना बहुत जरूरी है, इसमें गुठलियां बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। देखिए अभी ये मेरा मिश्रण मुझे गाढ़ा लग रहा है तो इसमें मैं और थोड़ा दूध डालूंगी। अच्छे से मिक्स करेंगे। आपको इसमें थोड़ा काम लगेगा क्योंकि अच्छे से मिक्स करना बहुत जरूरी है,
एक भी गुठलियां नहीं रहनी चाहिए, अदरवाइज वो मालपुआ में जब आती है तो वो अच्छा नहीं लगता है। देखिए एक स्मूथ बैटर ये तैयार हो गया है। अब इसकी गाढ़ाई में आपको दिखाती हूँ। देखिए इतना ये ठीक होना चाहिए, इससे ज्यादा पतला भी नहीं और इससे ज्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। एक डोसे के बैटर की तरह हम जो पकोड़े बनाते हैं उस बैटर से भी ये थोड़ा पतला होना चाहिए। तो अब बैटर भी तैयार है तो इसे फ्राई कर लेते हैं। और मालपुआ के लिए आपको तेल बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है, बहुत ही हल्का तेल गर्म होना चाहिए। देखिए इस तरह से चम्मच से ही हमको बैटर को डाल देना है, हमें इसे फैलाना बिल्कुल भी नहीं है चम्मच से, ये ऑटोमेटिक फैल जाएगा। और तेल आपको ध्यान रखना है ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, तभी ये अच्छा शेप आएगा। और इसे पलटना भी बिल्कुल नहीं है, ये ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा जब ये हल्का नीचे से पक जाएगा। धीमी आंच पे ही हमें इसे पकाना है। देखिए धीरे धीरे ये ऊपर आने लगा है। इसमें थोड़ा आपको टाइम लग जाएगा, एक मालपुआ बनने में आपको मिनिमम 7 to 8 मिनट लगेगा। देखिए ये कितना अच्छे से ऊपर आ गया है, तो इसे पलट देते हैं। अब इसे हम गोल्डन ब्राउन कलर आने तक बीच बीच में पलटते रहेंगे और फ्राई कर लेंगे। देखिए अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है तो इसे निकाल देते हैं। दूसरा जब आप मालपुआ डाले तो स्टोव को बंद कर दीजिए, हल्के गर्म तेल में ही आपको इसे फ्राई करना है। इसी तरीके से बाकी के मालपुए भी बना लेंगे। यहाँ पे ये जो बैटर बना है उससे मीडियम साइज के 4 मालपुए बनेंगे। नेक्स्ट ये चाशनी भी अभी हो गई है तो इसे एक बाउल में निकाल देते हैं ताकि मालपुआ हमें डिप करने में आसानी हो। यहाँ पे जो मैंने ये चाशनी बनाई है वो परफेक्ट जो मालपुआ बने हैं उसी के हिसाब से मैंने बनाई है। अब इसमें मालपुआ डिप करेंगे। अब एक चम्मच की सहायता से हम इसे अच्छे से चाशनी में डुबो देंगे। और चाशनी में डुबाने के बाद आपको इसे 10 मिनट तक रेस्ट देना है, फिर आप इसे सर्व कर सकते हैं ताकि चाशनी अच्छे से मालपुआ में लग जाए। इसी तरह से बाकी के मालपुए भी हम चाशनी में तैयार कर लेंगे। तो चलिए सर्व करते हैं। तो सबसे पहले हम मालपुआ रखेंगे, है ना, बिल्कुल आसान रेसिपी ये। तो आप भी अपने घर पे ये जरूर से ट्राई करना। और ट्रेडिशनल रेसिपी कभी कभी हमें घर पे बनानी भी चाहिए ताकि हमारे बच्चों को भी पता चले कि ऐसी भी कोई ट्रेडिशनल रेसिपी है। अब रबड़ी जो हमने बनाई थी वो भी अच्छे से गाढ़ी हो गई है तो इसके ऊपर डालेंगे। कितनी अच्छी ये डिश लग रही है, देखो मालपुआ के ऊपर ठंडी ठंडी रबड़ी आ जाए तो बहुत ही टेस्टी लगता है। और ऊपर से मैं गार्निश करूंगी, मेरे पास थोड़ी जेली पड़ी है उससे।
तुलसी पत्र रख के राधा कृष्णा को भोग लगाएंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू। हरे कृष्णा।